जी फाइनली हम इस वक्त हैं आजाद हेयर ट्रांसप्लांट आजाद मेडिकल सेंटर हाईवे पे केडीए हिल स्कीम के सामने। जैसा कि आपको पता है कि आज से एक मंथ पहले यानी कि 15 मार्च को मैंने अपना करवाया था हेयर ट्रांसप्लांट। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मगर उसके बाद ये हुआ कि एक मंथ के बाद मेरा जो है ना वो हेयर फॉल होना शुरू हो गया। मैं भी परेशान हो गया और आप देखने वाले जो मेरे चाहने वाले बहन भाई हैं उन्होंने भी काफ़ी क्वेश्चन किए कि साकिब भाई ये क्या हो गया कि आपके बाल आने के बजाय आपके बाल गिर चुके हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम डॉक्टर साहब से कंसल्ट करते हैं। तो इस वक्त मैं बैठा हूँ डॉक्टर साहब के सामने और इनसे पूछते हैं कि ये क्या माजरा है। जब हम ग्राफ्टिंग आपको करते हैं आफ्टर 15 और 20 डेज आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है आपको। ठीक है, हेयर फॉल इसलिए शुरू होता है कि आपकी रूट जो होती है ना तब तक वो आपकी स्किन में एडजस्ट हो रही है, अपनी स्पेस बनाती है। ठीक है, तो तब तक आपके 2 मंथ्स तक आपका फॉलिंग पीरियड होता है, जो आपके बाल लगाए जाते हैं पहले वो ग्रो करते हैं, बिल्कुल थोड़े से माइनर से आपके ग्रो करते हैं। ठीक है, और वो फिर गिर जाते हैं आपके। एक्चुअल ग्रोथ जो होती है वो आपकी 3rd मंथ से शुरू होती है, और 3rd मंथ से आपके जो बाल आना शुरू होते हैं वो आपके लाइफ टाइम होते हैं, वो आपके बाल कभी भी नहीं गिरते। ट्रांसप्लांटेड हेयर जो होता है वो आपका कभी भी नहीं गिरता। अच्छा, यानी कि अभी ये जो मेरे सारे बाल हैं ये गिर जाएंगे। हाँ, बिल्कुल वो होगा, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा जैसे। हाँ, बिल्कुल आपकी जिसे आप पहले आए थे शुरू में आए थे बिल्कुल आपका ही कुछ टाइम के लिए ऐसे हो जाएगा, तकरीबन 1-1.5 माह तक। ठीक है, उसके बाद आपकी ग्रोथ शुरू होगी। उसके बाद आपके हल्के हल्के बिल्कुल आपका बिल्कुल ग्रेजुअली बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपकी ग्रोथ शुरू होती है, एकदम बिल्कुल बाल नहीं आना शुरू हो जाते बिल्कुल। कभी आपकी लेफ्ट साइड से शुरू हो जाएगी, कभी आपकी राइट साइड से शुरू हो जाएगी, तो एक साथ ये बाल नहीं ग्रो करते। ट्रांसप्लांटेड हेयर थोड़े से डिफरेंट तरह से ग्रो करते हैं, क्योंकि इम्प्लांटेड रूट होती है, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाई जाती है, तो ऑब्वियसली इसका ग्रोथ प्रोसेस जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये लाइक कितना टाइम लगेगा मुझे नॉर्मल गेन शेप में आने के लिए? 12 मंथ्स इसका ग्रोथ पीरियड होता है, वो 12 मंथ्स यानी कि एक साल के अंदर मैं कह सकता हूं कि मेरी जो ग्रोथ है किस तरह की? हां, 6 टू 12 मंथ्स इसका ग्रोथ पीरियड होता है। अभी चूंकि 1 माह हुआ तो मुझे क्या मजीद क्या चीजें अंदर प्रोसेस? अभी आपको हम फर्स्ट पीआरपी सेशन देंगे, क्योंकि ट्रांसप्लांट से पहले आपने ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट अपना जब आपका प्रोसीजर हो रहा था तब आपका पीआरपी सेशन नहीं हुआ, तो आज आपका 1 मंथ जो है वो कंप्लीट हो गया, तो अभी हम आपको फर्स्ट पीआरपी सेशन देंगे। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो आपको 3rd मंथ में होगा, और आपका लास्ट सेशन जो होगा वो 6th मंथ में होगा। 5th मंथ में भी चांसेस हैं, वो आपकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि उससे आपकी फिर ग्रोथ जो होगी वो मजीद बूस्ट अप होगी, क्योंकि 3rd मंथ से आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी शुरू हो जाती है, तो उसमें पीआरपी अगर हम करेंगे तो वो मजीद बेहतर हो जाएगी। ठीक हो गया, तो अभी का ये है जी करते हैं पीआरपी, और मैं कोशिश करता हूं कि जो बाहर क्लाइंट्स आए हुए हैं उनका भी थोड़ा सा फीडबैक लेके आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि कुछ मैंने देखे हैं बंदे जिनके ऑलरेडी काफी ज्यादा यानी कि हेयर ग्रोथ हो चुकी है, वो आपके लाइक वो पास आपके क्लाइंट से, तो मैं उनसे बात करता हूं, और अगर पॉसिबल हो चुका हुआ तो मैं जिनके भी सर्जरी हो रही है उनसे बात करूंगा इंशाल्लाह। हम कैसे हैं आप? भी साथ आए हैं? अच्छा, तो ये हैं जी अभी जिनके भी तकलीफ हुई है अभी यानी कि इनको बाहर लाया गया, आप लोग ये बोल नहीं सकते, तो बस ये है कि सामने है। बाकी दूसरे ये भाई हैं, आपके कितने टाइम हो चुके सर्जरी हुए? 8 माह हो चुके हैं माशाल्लाह, और इधर दिखाएं जल्दी से दिखा सकते हैं अगर ऐसा। माशाल्लाह ये तो काफी अच्छा रिस्पांस रहा है जी, यानी कि ये देख के तो मैं भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ कि मेरे भी यानी कि इस तरह के बाल हो जाएंगे माशाल्लाह। एक और चीज जो मैंने नोट की है, ये जो हमारे साथ भाई बैठे हैं ये इसका ठीक टफ ना ये बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, और मैं भी पूछा जैद भाई से कि जैद भाई कैसे मैनेज किया, तो जैद भाई कहते हैं ये हमारा एक्सपीरियंस है, इससे पहले भी हम कई इस तरह के पेशेंट्स को हम डील कर चुके हैं जो कि ना तो बोल सकते ना तो सुन सकते थे। ब्लड लेने के बाद जो है ना हम लोग इसमें मेडिसिन डालते हैं, मेडिसिन डालने के बाद इंजेक्शन करते हैं सर में। सर इतना पेनफुल नहीं है, इंसुलिन से लेकर इतना पेन नहीं होता, थोड़ा सा तो होता है, जाहिर बात है कि इंजेक्शन नॉर्मली इतना हो जाता है। तो फाइनली हमारा पीआरपी का जो प्रोसेस हो चुका है,
थोड़ा सा पेनफुल है, जैसे कि इंजेक्शन प्रिक होता है तो आपको दर्द होता है, सेम एज इट इज मुझे दर्द हुआ है, बट नाउ आई एम ओके। सो दिस इज द एंड फॉर द वीडियो। अपने अल्हम्दुलिल्लाह पीआरपी भी हो चुकी है, और आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी और जो मेरे अंदर ये सवाल थे कि यार अपना हेयर फॉल वाला सीन इतना जल्दी क्यों स्टार्ट हो गया है, मगर ये होता है भाई। सो हेयर फॉल भी होना शुरू हो गया, अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो स्टेप है हेयर ट्रांसप्लांट का वो क्या होता है, वो आपके साथ भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है या जो करवाने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे जनाब आपको अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, टिल देन बाय बाय। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for